मैं कुलदीप सिंह पिंड कोहाड़का जिला तरन तारण का रहने वाला हाँ। मैं अपनी वाइफ के नाल एक नाल अपने प्रोसेसिंग प्लांट भी चलाना वा। उदे विच मैं अपनी हल्दी बेसन तेल और आटा भी तैयार करता हाँ। उदे नाल मेरे नाल मेरे लागे पिंडा दे विच होर भी किसान मेरे नाल जुड़े आ। जिहड़ी चीज़ मेरे को नहीं हुंदी मैं उन्हां किसानां तों लै के तैयार कर लैंदा वा। ये मेरी आटा चक्की आ जिहड़ी मैंने छोटी जी तैयार की आटा चक्की अपनी। ये मैं आटा बेसन तैयार करता वा। जिस तरह पुराने समय के घराटा वाला ठंडा आटा हुंदा सी उस तरीके दे नाल मैं तैयार करता वा। इहदी स्पीड बहुत ही घट है। ये एक घंटे के 40 किलो आटा तैयार हुंदा वा। ये साड़ी तेल बनाने वाली मशीन है। ये असी सरों का तेल कढ़ते हैं। पुराने जमाने जिदा लकड़ के फुल होंगे सी उस तरीके दे नाले मशीन तैयार की गई है। ये एक टाइम के 15 किलो सरों पा के 3 लीटर तेल निकलता वा करीबन 3 घंटे। साड़ी हल्दी कुटन वाली मशीन है जी। आम करके हर जगह के उत्ते हल्दी पीस के देंदे आ। असी हल्दी कुट के देंदे आ। ये साड़ी हल्दी कुटन वाली बहुत ही वधिया और बड़ी अच्छी टेक्नीक आ। इहदे विच इहदे हल्दी दे तत नहीं मरदे और बड़ी ही वधिया क्वालिटी की हल्दी बनती है इहदे विच। मेरी सारे किसान भरावां वीरां नूं बेनती आ कि असी झोने कणक दे विच्चों निकल के असी अनोखियां फसलां जिस तरह दालां हल्दी कोई वक्री फसल लगा के आपां अपनी फसल नवीं तैयार कर सकते हाँ। उहदे विच पंजाब लुधियाना यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर वाले साड़ी बहुत सपोर्ट कर रहे आ। सानूं फार्म सलाहकार सेवा केंद्र तरन तारण वाले साड़ी मतलब कि हर जगह पर सहायता कर रहे हैं। सानू बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद।